अजय देवगन और शाहरुख खान इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक साथ होने के बावजूद कभी गुड फ्रेंड्स नहीं बन पाए। मीडिया में दोनों के बीच कोल्ड वॉर की खबरें भी कई बार आई और आज मुंबई के एक टैबलॉइड में आया है इसी कोल्ड वॉर का एक अपडेट। जी हाँ, खबर गरम है कि अजय देवगन सिल्वर स्क्रीन पर शाहरुख खान से टक्कर लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। दरअसल यशराज बैनर शाहरुख कटरीना की अपकमिंग फिल्म को दिवाली के वक्त रिलीज कर रहा है और इसके लिए इस प्रोडक्शन हाउस ने मल्टीप्लेक्सेस से लेकर सिंगल स्क्रीन थिएटर्स तक सब अपनी फिल्म के लिए बुक कर लिए हैं। लेकिन खबर में ट्विस्ट ये है कि इसी वक्त पर अजय देवगन भी अपनी फिल्म सन ऑफ सरदार लेकर आ रहे हैं, यानी दिवाली पर सिल्वर स्क्रीन में शाहरुख और अजय देवगन के बीच बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का महाभारत होगा, जिसके लिए अजय देवगन भी पूरी तैयारी में जुट गए हैं और अपनी फिल्म के लिए मल्टीप्लेक्सेस और सिंगल स्क्रीन थिएटर्स बुक करने में लगे हुए हैं। खबरें बताती हैं कि अजय देवगन भी अपनी अब तक की सबसे महंगी फिल्म सन ऑफ सरदार को उसी ग्रैंड तरीके से रिलीज करेंगे जैसे शाहरुख अपनी फिल्म कर रहे हैं। वेल, जहां बॉलीवुड में स्टार्स किसी दूसरे बड़े स्टार की फिल्म के साथ अपनी फिल्म को रिलीज करने से कतराते हैं, वहीं शाहरुख और अजय दोनों ही दिवाली पर अपनी अपनी फिल्म रिलीज करने को तैयार है। ये एक इत्तेफाक है या फिर रियल लाइफ कोल्ड वॉर को दोनों स्टार्स रियल लाइफ में जीतना चाहते हैं? इसका जवाब तो हम शाहरुख और अजय से पूछकर आप तक प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जरिए जरूर पहुंचाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। Hi, this is Megha. Follow the Zoom TV channel on Daily Motion and zoom into fresh Bollywood news and entertainment. Just visit www.dailymotion.com/zoomtv.